तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, हर कोई एक परफेक्ट स्मार्टफोन चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर हर किसी का बजट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो एक महंगा और अच्छा स्मार्टफोन परचेस कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है और आप कम बजट यानी 7000 रुपए के अंदर कोई अच्छा सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम बात करने वाले यहां पर पांच ऐसे फोन्स की जो कि आपको अराउंड 7000 रुपीस के आसपास में देखने को मिल जाएंगे, पर आपको डेली वर्क के लिए काफी अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड देखने को मिलेगी, काफी अच्छे कैमरास, अच्छी खासी बैटरी लाइफ और अच्छे ड्यूरेबल स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक चैनल गैजेट न्यूज हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर लावा से, और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लावा Z2 की। इस स्मार्टफोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी बहुत कमाल की देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन मिलिट्रीगेट सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 का लाइट वर्जन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ रिजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत कमाल की देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। तो यहाँ पर आपको बैक में दो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का, इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G35 का चिपसेट, जो कि आपको 12 nm पे देखने को मिल जाता है। और प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पर आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, डेली वर्क में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, जहाँ पर आपको 10 W की चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 GB रैम और 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256 GB तक। करें कमियों की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका स्मार्टफोन लगातार गिरता रहता है, तो उनको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो फोन काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। साथ ही यहाँ पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, तो किसी भी तरह के ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहे तो इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7400 रुपए की प्राइस। बात करते हैं यहाँ पर पोको की तरफ से पोको C3 की। ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिल जाएगा। बढ़ते बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको HD+ रिजोल्यूशन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। तो बैक में यहाँ पर आपको 3 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G35 का चिपसेट, जो कि आपको 12 nm पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डे टू डे टास्क के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, साथ ही आप नॉर्मल गेमिंग यहाँ पर बहुत आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर आपको 10 W की चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 GB रैम और 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512 GB तक। अरे कमियों की, तो इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा लोगों के लिए यहाँ मायने भी रखता है। तो अगर आप इस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो ये स्मार्टफोन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं 7499 रुपए की प्राइस पर, लेकिन सेल के दौरान यही स्मार्टफोन आपको 7000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। बढ़ते बात करते हैं अगले फोन की, और अगला फोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें यहाँ पर स्टडीज करनी है, या फिर जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन वगैरह रहते हैं, या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह वॉच करनी है, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्फिनिक्स की तरफ से। बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की। तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको डिजाइन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के गो एडिशन पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर 6.8 इंचेस की बड़ी HD+ रिजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले, आपको इन्फिनिटी वी नॉच देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यहाँ पर इस फोन के कैमरा की। तो बैक में यहाँ पर आपको 13 और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाएगी।
कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio G25 का चिपसेट जो कि आपको 12 nm पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको डे टू डे टास्क के साथ में नॉर्मल गेमिंग के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 10 W की चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलती है 2 GB रैम और 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256 GB तक। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं और आप इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7200 रुपए की प्राइस पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले फोन की, और अगला फोन है यहाँ पर रियलमी की तरफ से रियलमी C20। स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ रिजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको इन्फिनिटी वी नॉच और साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 8 और सेल्फी के लिए 5 MP का सेंसर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर भी आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाएगी। कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio G35 का ही चिपसेट जो कि 12 nm पे बेस्ड है, और यहाँ पर भी आपको डेली वर्क के साथ में अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको 10 W की चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये फोन आपको मिल जाता है 2 GB रैम और 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, जहाँ पर आप इसे एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256 GB तक। अगर कमियों की, तो यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप कम बजट के अंदर रियलमी की तरफ से कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन भी आपको मिल जाएगा 6800 रुपए की। बात करते हैं अगले फोन की, और अगला फोन यहाँ पर मोटो की तरफ से मोटो E7 पावर। ये स्मार्टफोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको वाटर और डस्ट का स्प्लैश प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर सपोर्ट दिया गया है, और ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगी यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ रिजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको इन्फिनिटी वी नॉच देखने को मिल जाएगा, और ओवरऑल यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 2 camera sensor देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 MP का, साथ ही 2 MP का मैक्रो और 5 MP का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio G25 का चिपसेट जो कि आपको 12 nm पे देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आपको डे टू डे टास्क के साथ में नॉर्मल गेमिंग के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको 10 W की चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो ये फोन भी आपको देखने को मिल जाता है 2 GB रैम और 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 1 TB तक। साथ में यहाँ पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप या फिर एड्स भी नहीं झेलने पड़ेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये स्मार्टफोन आपको 2 variants पे देखने को मिल जाता है, 2 GB 32 वाला जो वेरियंट वो आपको मिलता है 7000 रुपए की प्राइस पर, वहीं पर 4 और 64 वाला मिल जाता है आपको 8000 रुपए की प्राइस पर। सभी के अलावा भी आप यहाँ पर Realme C11 को भी चेकआउट कर सकते हैं, ये स्मार्टफोन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप यहाँ पर Micromax In1B को भी देख सकते हैं, ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ स्टॉक ही देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ स्मार्टफोन जो कि आप इस प्राइस पॉइंट पर परचेस कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर मेरी टॉप पिक की, तो मुझे यहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ ही मुझे स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैं यहाँ पर मोटो E7 पावर के साथ में जाना ज़रूर पसंद करूँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी के डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। साथ ही उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और शेयर से यार हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। साथ ही अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।